तो आइए अब टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद आ गया टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब 67 नंबर पॉइंट आपके पास है जिसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर तीन भाग में आप बांटे रहेंगे आप खुद अपने आप को, तो आपको टॉपिक भी समझ में आएगा कि किस में क्या पढ़े थे और क्या लिखे थे, तो उससे सुविधा भी होगा आपको दो नंबर वाला क्वेश्चन बनाने में, तीन नंबर पाँच नंबर का क्वेश्चन बनाने में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में। तो चलिए अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, लिखेंगे कि इफ इन द हाफ सेल द मेटल रॉड, कैपिटल में M लिखेंगे, इज सस्पेंडेड इन अ सॉल्यूशन ऑफ वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड द टेम्परेचर इज कैप्ट एट 298 केल्विन। देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ यहीं तक रहेगा 25 डिग्री या 298 केल्विन। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए। और इसको रिप्रेजेंटेड कैसे किया जाता है, अगर रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई लिखना है, इसके ऊपर में जीरो दिखना है, ई नॉट। समझ गए, लिख लिए। क्या हुआ डिफिनेशन इसका, मेटल रॉड ना बोले, हाँ मेटल रॉड, इधर रॉड लिख लीजिए, रॉड ने लिखे थे। इफ इन द हाफ सेल, अगर हाफ सेल की बात हो तो मेटल रॉड M इज सस्पेंडेड इन अ सॉल्यूशन, कितना उसमें मोलर होना चाहिए कंसेंट्रेशन, तो 1 मोलर कंसेंट्रेशन पहला, एंड द टेम्परेचर उसका होना चाहिए 298 केल्विन, तो कंसेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वह होगा आपका ई नॉट, क्या होगा ई नॉट। तो दो बार आपको पढ़ दिए, एक बार आप लिख लिए, दो बार सुन लिए और अगला आप प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं। तो क्या हुआ ई नॉट, इसको ई नॉट भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पढ़ सकते हैं, इसको जीरो को स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं। तो इफ इन द हाफ सेल की बात हो रही है, मेटल रॉड उसमें तो रहेगा ही, उसको सस्पेंड करेंगे और डाल देंगे उसको सॉल्यूशन में, उसका मोलर कंसेंट्रेशन रहना चाहिए 1 और टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री या 298 केल्विन। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हुआ आपका जो लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है उस तरह से, और एनसीईआरटी वाला तो हम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा ही देंगे, लेकिन ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। और लिखिए द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल मे बी डिफाइंड एज क्यों ऐसा अलग से डिफिनेशन दिया गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो उसी प्रकार से आपको
एक अलग से परिभाषा बता के आपको बताया जा रहा है, ताकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाएं तो उस समय आपसे ये क्वेश्चन बन जाए। तो लिखिए द, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे द पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स, किसमें डिफरेंस होगा, तो वह होगा वोल्ट्स में। डेवलप्ड इन ए सेल, कहां डेवलप हुआ, तो डेवलप्ड इन अ सेल, कहां हुआ, तो एक सेल में, जिसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, तो कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग CONSI, कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग ऑफ कितना, तो टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड से होगा। द प्योर मेटल, द प्योर मेटल, द प्योर मेटल इन कॉन्टैक्ट विथ ए, द प्योर मेटल इन कॉन्टैक्ट विथ ए, द प्योर मेटल, द प्योर मेटल इन कॉन्टैक्ट विथ ए मोलर सॉल्यूशन, विथ ए मोलर सॉल्यूशन ऑफ, ऑफ वन ऑफ इट्स आयंस, वन ऑफ इट्स आयंस एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल हेलोजन इलेक्ट्रॉन, हेलोजन होगा कि हाइड्रोजन, एंड द नॉर्मल क्या होना चाहिए, नॉर्मल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेलोजन आया है कि हाइड्रोजन आया है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोड, जिसको आप नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ब्रैकेट में लिख दीजिए, एन कैपिटल, एच कैपिटल और ई कैपिटल, एन एच ई लिख लीजिए। लिख लिए द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लिख लिए क्या हुआ इसका मतलब, कहता है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल मे बी डिफाइंड, द पोटेंशियल डिफरेंट इन वोल्ट्स, वोल्ट्स में होना चाहिए क्योंकि वोल्ट्स में ही लिस्ट में आपको याद भी करना है, डेवलप हुआ है एक सेल में जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, द प्योर मेटल इज इन कॉन्टेक्ट विथ ए मोलर सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ इट्स आयंस, इस अपने एक आयन से जुड़ा हुआ है जो प्योर है, एंड द नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा जो जुड़ा हुआ है वह जुड़ा हुआ है साथ ही साथ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तो इसी से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान निकाला गया है। समझ गए, एक तरफ हाइड्रोजन और जैसे ZN है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप पढ़ लिए हैं कि अभी नहीं पढ़े हैं, लिखेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर एनी हाफ सेल, एनी हाफ सेल बराबर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर एनी हाफ सेल बराबर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
या कोई किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल अगर बताना है, दूसरा पहला ये हो गया, दूसरा इसी में लिख लीजिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एनी हाफ सेल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये लिख लीजिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लिख लिए। तो ये होता है स्टैंड, इसका मान हम नीचे जाके डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब जो 68 नंबर पॉइंट अभी जो डिस्कस करने वाले हैं, वह डिस्कस करेंगे रेफरेंस, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और रेफरेंस हाफ सेल्स। ये टॉपिक अब हम 68 नंबर डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा डिस्कस करेंगे टॉपिक? 68 नंबर पॉइंट्स, जिसका नाम है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और रेफरेंस हाफ सेल्स। कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बताइए। हाफ सेल्स, तो बताइए इसमें कि कौन कौन सा टॉपिक आज पढ़ा दिए। पहला